चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी ऑटो न्यूज। आज की सबसे पहली न्यूज आ रही है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा ने अर्बन क्रूजर हाईराइडर और ग्लांजा का सीएनजी वेरिएंट इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। इन कार के अंदर जो इंजन वगैरह आता है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे कि आपको बलेनो सीएनजी के अंदर मिलता है, और जो XL6 सीएनजी अभी रिसेंटली मारुति ने लॉन्च की हुई है उसके अंदर मिलता है। जो मारुति की सीएनजी वाली कार्स हैं, मारुति इनको SCNG नाम से बुलाता है, और यहीं पे जो टोयोटा की सीएनजी कार्स हैं, टोयोटा इनको ECNG नाम से बुला रहा है। बस दोनों कार्स के अंदर इतना ही डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज जितनी भी सारी चीजें हैं इंजन वाइज वो सारी चीजें सेम ही हैं। डिजाइन तो आपको पहले से पता ही है कि ग्लांजर का कैसा है और अर्बन क्रूजर हाईराइडर का कैसा है, उन सारी चीजों के बारे में हम ज्यादा डिस्कस ही नहीं करते हैं। ग्लांजा के दो वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट ये लोग लेके आए हैं। जो यस वेरिएंट है इसकी प्राइस 8.43 लाख रखी हुई है, और जो जी वेरिएंट है इसकी प्राइस 9.46 लाख रखी हुई है। बाकी जो अर्बन क्रूजर हाईराइडर है इसके सीएनजी वेरिएंट की प्राइस इन्होंने अभी तक रिवील नहीं की है, और इसके साथ ही साथ जो अर्बन क्रूजर इनकी पहले से मार्केट में बेची जा रही थी जो कि ब्रेजा विटारा की वेरिएंट थी टोयोटा वाली, इसका अक्टूबर के महीने में जीरो सेल रिपोर्ट की गई है, जिसकी वजह से टोयोटा ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर से अर्बन क्रूजर्स को अब रिमूव कर दिया है। अगर आप टोयोटा की वेबसाइट को अब चेक करेंगे तब आपको अर्बन क्रूजर वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। तो फाइनली टोयोटा ने अभी इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इसकी जगह पे केवल आपको अर्बन क्रूजर हाईराइडर जो कि एक हाइब्रिड कार है यही देखने को मिल रही है। और इसी के साथ दोस्तों टाटा की जो सफारी है और हैरियर है, टाटा ने इनकी प्राइस को 5000 से लेके 31000 रुपए तक इंक्रीज कर दिया है, और इसी के साथ इनके अंदर कुछ फीचर्स भी इन्होंने ऐड किए हैं। और टाटा का ये प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है कि पहले ये एक स्पेशल वेरिएंट लॉन्च करते हैं जिनमें कुछ स्पेशल फीचर्स देते हैं, बाद में जो इनकी टॉप सेलर होती है उस सेगमेंट के अंदर, जैसे कि इन्होंने जो हैरियर का भी जेट एडिशन लॉन्च किया था उसके अंदर इन्होंने USB पोर्ट दिया था फ्रंट में और बैक में भी, अब वो सारी चीजें इस कार के अंदर भी आ गई हैं। ऐसा ही इन्होंने सफारी के अंदर भी किया है। सफारी का जो जेट एडिशन इन्होंने लॉन्च किया था इसके अंदर इन्होंने पैनिक ब्रेकिंग और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम दिया था। अब ये जो ब्रेकिंग है जो इनके कुछ टॉप सेलर मॉडल्स हैं सफारी के, इनके अंदर भी आ गया है। तो टाटा यूजली ऐसा ही करता रहे काफी टाइम से। आपको इसके ऊपर अगर कुछ कहना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगली न्यूज आ रही है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। तो जो अभी आइकमा शो चल रहा है इसके अंदर रॉयल इनफील्ड ने अपनी एक स्क्रैम्बलर 650 को शोकेस किया है। इसके अंदर 648 सीसी का इंजन आता है जो कि रॉयल इनफील्ड की जो अदर 650 सीसी वाली बाइक्स हैं इनके अंदर भी वही सेम इंजन आता है। इस बाइक के अंदर जो शॉक ऑब्जर्वर है वो टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है, और इस बाइक के अंदर 2-in-1 एग्जॉस्ट आता है, डुअल पर्पस ब्लैक पैटर्न टायर्स आते हैं। अदरवाइज जो सारी चीजें हैं डिजाइन को छोड़ के, डिजाइन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके की है, उसके अलावा जो सारी चीजें हैं वो एग्जैक्टली सेम ही हैं जैसे कि आपको रॉयल इनफील्ड की 650 सीसी वाली बाइक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ होंडा ने भी अपनी 500 सीसी एक स्क्रैम्बलर बाइक को आइकमा के अंदर रिवील किया है, मतलब शोकेस किया है, जो कि इनकी जो रेबल 500 क्रूजर है। अदरवाइज जो सारी चीजें हैं वो एग्जैक्ट सेम है जो कि रेबल 500 के अंदर आती है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज होंडा ने ये किया है कि इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को शोकेस किया है आइकमा के अंदर, जिसका नाम EM1 है, और ये स्कूटर एक देखने में तो मोपेड जैसी लग रही है जिसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस स्कूटर के अंदर रिमूवेबल बैटरी पैक्स आते हैं, और इसकी जो रेंज एक्सपेक्ट की जा रही है वो 150 किलोमीटर के आसपास की एक्सपेक्ट की जा रही है जब ये एक्चुअल में लॉन्च होगी उसके बाद में। वैसे होंडा ने ये रोड मैप बनाया हुआ है कि 2025 तक ये अपनी 10 टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक्स को मार्केट में लेके आने वाले हैं। मतलब आने वाले टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्पेस है ये काफी ज्यादा और कम्पिटिटिव होने वाला है। इसी के साथ आज की हमारी ऑटो न्यूज नंबर 66 खत्म होती इधर ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।